देखिए नरसिंह राजा क्षेत्रा में जो है जेडीएस की तरफ से इतना टेंशन क्यों हो रहा है बोले तो इस बार जेडीएस ही जीतती है। नरसिंह राजा क्षेत्रा में जो है जेडीएस ही जीतती है। आज नहीं, आज के 3 साल से एक ही बात कर रहा हूं मैं, क्यों हर एक आदमी चेंजेस चाह रहा है नरसिंह राजा क्षेत्रा के अंदर। एक गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, 2.5 लाख लोगों को 2 से 3 गवर्नमेंट स्कूल बस नहीं आते। एक गारमेंट्स फैक्ट्री नहीं है, जो हमारे मुसलमान बहना जितने भी एनआर हल्के के अंदर है सारे आज भी बीड़ी क्वार्टर्स और शांतिनगर के अंदर बीड़ी का ही काम कर रहे हैं, जो उनको कुछ भी ये नहीं हुआ है। अगर गारमेंट्स फैक्ट्री रहते 1-4-5 तो आराम से 10 से 15 हजार रुपए एक एक आदमी को धरमा आता था। नरसिंह राजा क्षेत्र के अंदर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, उस वजह से सब लोग चेंजेस चाह रहे हैं। सी मंजे जो है हाई कमांड से जो इंटीमेशन देके वो मैं यहाँ पे आके आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरे को हाई कमांड से 100% तो दे कैंडिडेट बनाएंगे और तू अकेला ही नरसिंह राजा क्षेत्र में इलेक्शन फेस कर सकता है बोल के मेरे को इस काबिलियत की वजह से देने की पूरी हाई कमांड हमारी कोशिश कर रही है। कुमार स्वामी साहब ने और सीएम इब्राहिम साहब ने मेरे को बोला है। सी सियासती एक मेहनत है जो मैं पिछले 17 साल से करते आ रहा हूं। हर दिन हर मिनट क्षेत्र के अंदर अंदर कर्नाटक के अंदर अंदर हर जगह मैं गली गली घूम के काम कर रहा हूं और कुमार स्वामी साहब के साथ में ही घूम घूम के ट्रेन हुआ हूं मैं हर गली गली। मेरे को पता है आज इस काबिलियत के होने के वजह से मैं एक एस्पिरेंट बना हूं। जो 4 लोग बोल रहे हैं इसको टिकट देंगे तो इलेक्शन फेस कर पाएगा, बड़े बड़े लोग से छोटे छोटे लोग से बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं मेरे को इंशाल्लाह इस बार तू ही इलेक्शन फेस कर सकता है बोल के, तो उस काबिलियत रखते हुए मैं आया हूँ। हमारा जो 1-2-3 मशीन है, जो भी 1-2-3 मशीन है हम लोग उसको टच करेंगे ही करेंगे इंशाल्लाह। हमारे उससे ऊपर आने की सीट उम्मीद है और कुमार स्वामी साहब सिंगल मेजोरिटी में सीएम बनती है और 100% जेडीएस गवर्नमेंट फॉर्म करती है और इंशाल्लाह नरसिंह राजा क्षेत्र में ही जेडीएस का झंडा लहराते हैं। मेरे हिसाब से तो कर्नाटक के अंदर जेडीएस पार्टी ही एक सिंगल मेजोरिटी और ऐसा एक सीएम, एक मुसलमानों के लिए आवाज बुलाना तो एक सीएम मुसलमानों के आवाज बनकर खड़ा है तो वो कुमार स्वामी साहब है और किसी में इतना दम नहीं है कि आके सामने बोलने के लिए। जनाब शाहबाज खान साहब, जिस तरह इंतखाबात यानी इलेक्शन सामने आ रहा है उसमें जो है जेडीएस की जानिब से एनआर हलके में अभी तक उम्मीदवार की जो है टिकट अनाउंस नहीं हुई है, उससे पूरे एनआर हलके के अवाम को जो है बेचैनी होकर है। टिकट कब अनाउंस हो चाहे और उसमें आपका क्या किरदार रहता है इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम। आज जेडीएस में जो नरसिंह राजा क्षेत्र के हलके में जो कुछ भी ये चल रहा है इंशाल्लाह कल मैं जो है हाई कमांड से सारा बात करके आया हूं बैंगलोर में। मेरे को बोला गया है कि तेरे को ही टिकट 99% हम लोग देंगे और तेरा ही लिस्ट में नाम आएगा, तो जाके काम कर। और पिछले 2 साल से भी मैं लगातार काम कर ले के ही आ रहा हूँ नरसिंह राजा क्षेत्र में और पिछले 17 साल से जो है जेडीएस पार्टी के लिए ही काम करते आ रहा हूँ मैं जी। अभी कब कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा? अब इंशाल्लाह 10 तारीख के अंदर हमारा सेकंड लिस्ट अनाउंस होने के चांसेस ही इंशाल्लाह, उस लिस्ट में मेरा नाम आने का पूरी उम्मीद है मेरे को। तो आप जो है किस तरह जो है एनआर हलके को तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे? अब ये नौजवान है कैसा देखते हैं? देखिए नरसिंह राजा क्षेत्र में जो है जेडीएस की तरफ से इतना टेंशन क्यों हो रहा है बोले तो इस बार जेडीएस ही जीतती है। नरसिंह राजा क्षेत्र में जो है जेडीएस ही जीतती है। आज नहीं, आज के 3 साल से एक ही बात कर रहा हूं मैं, क्यों हर एक आदमी चेंजेस चाह रहा है नरसिंह राजा क्षेत्र के अंदर। एक गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, 2.5 लाख लोगों को 2 से 3 गवर्नमेंट स्कूल बस नहीं आते। एक गारमेंट्स फैक्ट्री नहीं है, जो हमारे मुसलमान बहना जितने भी एनआर हल्के के अंदर है सारे आज भी बीड़ी क्वार्टर्स और शांतिनगर के अंदर बीड़ी का ही काम कर रहे हैं, जो उनको कुछ भी ये नहीं हुआ है। अगर गारमेंट्स फैक्ट्री रहते 1-4-5 तो आराम से 10 से 15 हजार रुपए एक एक आदमी को दरमा आता था।
नरसिंह राजा क्षेत्र के अंदर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, उस वजह से सब लोग चेंजेस चाह रहे हैं। सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि सीट आपको मिलेगी, टिकट आपको मिलेगी, और भी बहुत सारे लोग जो है जेडीएस के इंतजार में हैं, उनका दावा है कि टिकट जो है उनको भी मिलेगी, ये किस तरह का जो है कंफ्यूजन है? सी मंजे जो है हाई कमांड से जो इंटीमेशन देके वो मैं यहाँ पे आके आपके सामने बयान कर रहा हूं। मेरे को हाई कमांड से 100% तो ये कैंडिडेट बनाएंगे और तू अकेला ही नरसिंह राजा क्षेत्र में इलेक्शन फेस कर सकता है बोल के मेरे को इस काबिलियत के वजह से देने की पूरी हाई कमांड हमारी कोशिश कर रही है, कुमार स्वामी साहब ने और सीएम इब्राहिम साहब ने मेरे को बोला है। सर जिस तरह आप देखते होंगे तनवीर सेठ साहब एक बड़ी हस्ती, एक बड़ा नाम है सर, उनके मुखालिफ यानी कि उनके अपोजिट आप किस तरह जो है उनका फेस करेंगे? सी अभी राहुल गांधी के सामने एक टीवी एक्टर एमपी इलेक्शन जीत सकती है तो यहाँ की कौन सी बड़ी बात है? सुमिता ईरानी, स्मृति ईरानी जो है सेंट्रल मिनिस्टर होके अभी, वो एक राहुल गांधी जो ये कांग्रेस पार्टी की बुनियाद है, कांग्रेस पार्टी की पैदाइशी की है, उनके बाप ने, उनके दादा ने सब किया है, वैसे ही आदमी एक नॉर्मल टीवी सीरियल एक्टर जीत सकती है तो यहाँ की कौन सी बड़ी बात है? अच्छा एक और बात भी आती है, जब एनआर हलके में कभी भी इलेक्शन आता है चाहे वो कारपोरेटर का हो चाहे वो एमएलए का हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वक्त भी लगाना पड़ता है और आपकी दौलत भी इसमें जो है जाती है, ये कहां तक सच है? सी सियासत एक मेहनत है जो मैं पिछले 17 साल से करते आ रहा हूं, हर दिन हर मिनट क्षेत्र के अंदर होंदे, कर्नाटक के अंदर होंदे, हर जगह मैं गली गली घूम के काम कर रहा हूं और कुमार स्वामी साहब के साथ में ही घूम घूम के ट्रेन हुआ हूं मैं हर गली गली, मेरे को पता है। आज इस काबिलियत के होने के वजह से मैं एक एस्पिरेंट बना हूं, जो 4 लोग बोल रहे हैं इसको टिकट देंगे तो इलेक्शन फेस कर पाएगा, बड़े बड़े लोग से छोटे छोटे लोग से बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं मेरे को इंशाल्लाह इस बार तू ही इलेक्शन फेस कर सकता है बोल के, तो उस काबिलियत रखते हुए मैं आया हूं। अच्छा आपका क्या मैनिफेस्टो है, जैसे कि आप अगर एनआर हलके में जीत जाएंगे तो आप क्या करेंगे, किसके लिए क्या किस तरह कुछ करके देंगे? सी मैं जितने भी फर्स्ट एजुकेशन है, सेकंड हेल्थ है, जो मेरी नॉलेज में हमारे पंचरत्न योजना जो 5 है वो पंचरत्न योजना में ही पूरा आ जाता है, LKG टू सेकेंड PUC एजुकेशन फ्री है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ सकता है, जो भी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकता है, और जिस जिस को भी हार्ट का जो इलाज होता है, डायलिसिस का इलाज होता है, हर एक चीज फ्री है और बहुत से योजना है हमारे। अच्छा पूरे रियासत कर्नाटक में क्या कुमार स्वामी साहब CM बनकर जो है सामने आएंगे इस मरतबा? सी कुमार स्वामी साहब जो वादा किए है आज तक भी वो निभाते आए, उसमें उनकी काबिलियत होने की वजह से और उनको बड़े बुजुर्गों की दुआ है, बड़े बुजुर्गों की दुआ है, उस काबिलियत रखते हुए वो हर हमेशा 3 बारी CM और होते आ रहे कंटिन्यूसली, और इस बार सिंगल मेजोरिटी में कुमार स्वामी साहब CM होंगे। ओके, जो ये पिछले दिनों पंचरत्ना यात्रा जो देखने को मिला उससे जो है कितनी मजबूती आकर जो है सब जगह सीटें जो है ज्यादा जीतेंगे? हमारा जो 1-2-3 मशीन है, जो भी 1-2-3 मशीन है हम लोग उसको टच करेंगे ही करेंगे इंशाल्लाह, हमारे उससे ऊपर आने की सीट्स उम्मीद है, और कुमार स्वामी साहब सिंगल मेजोरिटी में CM बनती है और 100% JDS गवर्नमेंट फॉर्म करती है और इंशाल्लाह नरसिंह राजा क्षेत्र में ही JDS का झंडा लहराते हैं। अच्छा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन्हें छोटा लड़का है शाबाज खान, ये अपने जहन में क्या रहा है बोल दे रहा है, जुबान में क्या रहा है बोल दे रहा है, इसको क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों MLA की टिकट को जो है इंतजार कर रहा है, MLA की टिकट को जो है वेट कर रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं बातें आ रही है। 17 साल की उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीनिवास प्रसाद साहब हुए थे, 21 ईयर्स की उम्र में जो कांग्रेस का प्रिया कृष्णा है ये MLA हुआ था, आज जो भी है यंगस्टर से ही शुरू होती है, सियासत जो है एक एजुकेटेड और एक छोटे और यंगस्टर से ही है, इसमें मेहनत बहुत लगती है, यंगस्टर से ही शुरू होती है और मेरे में काबिलियत है, सियासत जानता हूं मैं। अच्छा आपको तजुर्बा ज्यादा है आपका कहने का मतलब? सी वो अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने मेरे को चुन के अवाम के बीच में जाके गरीबों की मदद करने के लिए आज ये मुकाम पे लाके खड़ाया है।
इंशाल्लाह मैं जब तक जिंदा हूं तब तक गरीबों के लिए मेहनत करते रहूंगा, काम करते रहूंगा, इंसाफ के लिए बात करते रहूंगा। अच्छा, जेडीएस में एक अपनी एक अलग पहचान बना के रखे है जनाब अब्दुल अजीज उर्फ अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने पार्टी से जो है नाराज होकर किसी और पार्टी में शामिल होने की बात सामने आ रही है, अभी तक पूरी तरह से बात खुल के नहीं आई है। मैं मान सकता हूं कि वो भी आपके गिन लीडर थे, अभी जो है वो इस तरह अपने बयान में बात बता रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब्दुल्ला साहब जो है आज भी पार्टी नहीं छोड़े, आज भी वो हमारे लीडर ही है। जो 5 साल पहले हम लोग उनको दिन रात मेहनत करते हुए एमएलए इलेक्शन में 1 रुपया ना लेते हुए हम लोग उनको मेहनत किए, और 3 से 4 बार मैं खुद वॉलेंट्री घर पे गया उनके, इस इलेक्शन पे भी 3 से 4 बार मैं वॉलेंट्री घर पे गया। घर पे जाके मैंने खुद उनको, भाई आप भी कैंडिडेट हो, हम लोग 100% आपको सपोर्ट करेंगे बोल के भी बोला। वो बोले हाँ 100% मैं ही कैंडिडेट होता हूं बोल के। कहां के एक जगह उनको दिल बेजार हुआ है, यहाँ पे 4-5 टीम हो गए बोल के, लेकिन हम लोग एक ही फैमिली है जेडीएस की, हम लोग एक ही है। और अब्दुल्ला भाई भी पार्टी नहीं छोड़ते, अब्दुल्ला भाई भी जेडीएस के एक बड़े लीडर ही है। अच्छा, आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो कोई भी पार्टी हो तरक्की के लिए काम करे, उनके लिए आप नौजवानों का वोट जो है इस तरह सोच समझ के डालना चाहिए आपकी जगह? मेरे हिसाब से तो कर्नाटक के अंदर जेडीएस पार्टी ही एक सिंगल मेजोरिटी, और ऐसा एक सीएम, एक मुसलमानों के लिए आवाज बुलाना, तो एक सीएम मुसलमानों के आवाज बनकर खड़ा है तो वो कुमार स्वामी साहब है, और किसी में इतना दम नहीं है कि आके सामने बोलने के लिए। जिस तरह पिछले दिनों मंडिया में इदरीस पाशा का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया, उस वक्त जो है कुमार स्वामी थे जो आकर सामने बताए, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वही तो मैं बोल रहा हूं, कुमार स्वामी साहब एक ही आदमी है जो मुसलमानों के हक के लिए लड़ सकते हैं और मुसलमानों की आवाज बन सकते हैं। मैं वही तो बोलता हूं, एक ही बात बोलता हूं, कुमार स्वामी साहब एक ऐसे आदमी है कि मुसलमानों को बचा के रख सकते हैं। और वो जो कौन है वो पुनीत करेली लोफर, वो जो है वो बिल्कुल गलत किया है, उसको पता नहीं है वो लोफर को के बीफ एक्सपोर्ट, बीफ का बिजनेस जो है बीजेपी के लीडर ही करते हैं, और दुनिया के अंदर सबसे बीफ एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान के बीजेपी के लीडरों से ही होता है। वो जाके उनको बात करना, वो लोफर जो है बहुत लोफर काम किया है, उसको हम लोग फांसी की सजा देना बोल के, हम लोग हमारे संविधान पे हम भरोसा रखते हुए, हम लोग पुलिस पे भरोसा रखते हुए हम लोग एक ही दुआ करते हैं कि उसको फांसी की सजा होना बोल के। क्यों? एक इदरीस पाशा के घर के अंदर 7 महीने का बच्चा है, उसका 7 महीने का बच्चा है। कौन सा अल्लाह बोलिया है, कौन सा भगवान बोलिया है, कौन सा बाइबल बोलिया है, कौन सा संस्कृत बोलिया है कि ऐसे आदमी को लेके जाके एक जानवर को लेके जाते हुए उसको पकड़ के मार दो बोल के। एक और सवाल यहाँ पर ये आता है कि आप जो है दावा कर रहे हैं कि यहाँ से उम्मीदवार की टिकट जो है आपको मिलेगी, अगर आपको ना मिलकर किसी और को मिलेगी तो आप क्या जेडीएस में रहकर काम करेंगे? जिसको भी मिलेगी उसके पीछे रहकर काम करेंगे? सी, मैं पिछले 17 साल से सियासत में हूँ और जेडीएस पार्टी में हूँ और कुमार स्वामी साहब के साथ में ही हूँ। 17 साल से भी मैं ऐसे 4 से 5 इलेक्शन देख दिया हूं, और जिसे भी जेडीएस हाईकमांड तय करती है हम लोग उसके साथ काम करेंगे। और जब तक कुमार स्वामी साहब जिंदे है, जब तक कुमार स्वामी साहब जिंदे है मैं उन्हीं की पार्टी में काम करता रहूंगा, और मरते दम तक भी जेडीएस पार्टी को ही काम करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला।